श्री राम समर्थ अप्रैल 10 हम राम को सर्वस्व समर्पण करें। मैं कहता हूँ कि हम राम को मन से सर्व समर्पण कर दें। मेरे नातेदार आदि जो भी हैं केवल एक राम ही हैं। ऐसा दृढ़ भाव रखकर राम की शरण में जाना चाहिए। हे भगवान, मुझे इस संसार में कुछ भी करना बाकी नहीं है, अतः मैं अनन्य भाव से शरण में आया हूँ। सुख दुख का दाता केवल एक भगवान ही है। जिस समझदारी से हम काम करें उसके सुख दुख के परिणाम हमें भुगतने ही पड़ेंगे। जब तक हम में अहंकार है तब तक संतोष नहीं होगा। यदि आप संतोष चाहते हैं तो साधुजन एक विशेष उपाय बताते हैं। वह उपाय है हम अपना सर्वस्व राम को अर्पण करें। सज्जन, हमें सर्वस्व कैसे अर्पण किया जा सकता इसका मार्ग बताते हैं। हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कर्तव्य भावना से कर्म करें और कर्तव्य करते समय भी भगवान को न भूले। पहले भगवान का अनुष्ठान हो और इसी से प्रयत्न करने की प्रेरणा होगी। यदि हम भगवान का अखंड अनुष्ठान करें तो सहज ही में कर्म रामार्पण हो जाएगा। संतों का मुख्य लक्षण अत्यंत शांत वृत्ति है। जो जो बात घटती है वह प्रभु राम की इच्छा से ही घटती है। खबरदार रहकर गृहस्थी करनी चाहिए। भगवान हमारा त्राता है यह जानकर ही हमें निर्भय रहना चाहिए। प्रभु राम हमारे घर आए यह तो हमारा भाग्योदय है। गृहस्थी ठीक ढंग से करते हुए हमें प्रभु को सब समर्पण कर देना ही उचित है। जो दोष हम दूसरों में देखते हैं वस्तुतः यही दोष हम में होते हैं। हमारी देह पराधीन है लेकिन मन स्वतंत्र रखे और उसे भगवत भक्ति में लीन करे। जिसका मन बंधा हुआ है उसे स्वाधीनता का भाव नहीं होगा। जो राम की शरण में जाता है उसकी हानि नहीं होती। नीति धर्म का आचरण करते हुए अखंड रूप से नामस्मरण करे। परिवार में छोटे बड़े बाल बच्चे पत्नी इन सब के मन में निरंतर राम नाम रहना चाहिए। बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं इसलिए हमारी बुद्धि में किसी भी समय भेद हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप को सावधान रहकर प्रतिक्षण प्रतिपल प्रभु राम का स्मरण करना चाहिए। भगवान की कृपा से जैसे चल रहा है वैसे चलने दे और जिस स्थिति में राम रखे वैसी स्थिति में हम रहे। जिसके मन में प्रभु राम दृढ़ हो गए उसे दुनिया में कुछ भी करना बाकी नहीं है। प्रभु राम को जो और जैसे करना हो वैसा ही होगा। निरंतर भगवान का ध्यान हो इसके लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता। प्रभु राम स्वयं घर पर आकर मिलेंगे। जो प्रभु राम चरण का चिंतन करेगा उसे यम का बंधन नहीं होगा। संतों की सेवा करने से हमारा भाग्य खुल गया है। जो एक परमात्मा की शरण में जाता है वह धन्य है। संतों की इच्छा से व्यवहार करने पर कल्याण ही होगा। आज का मुख्य विचार, ईश्वर से अखंड अनुसंधान रखने पर अपने आप फल रामार्पण होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.